हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राज लालवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एडेप्टिव रेडिएशन को लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि ये किस टाइप का फॉर्म है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, तो अधिकतर लोग इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मान लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके समझाऊंगा कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बस इसमें वर्ड लिखा है। ध्यान रखेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन के टॉपिक में कहीं पर भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है। तो देखते हैं बेटा, आप धीरे धीरे एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइएगा। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो डार्विन था वो 5 साल के लिए दुनिया की खोज में निकला कि भाई हमारी जो दुनिया वो कैसे बनी। जैसे कि मैं आप लोग पिछले क्लास में मैंने बताया है, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक है। डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर है, काफी अच्छे से मैंने बताया है उसमें। देखिए, अब उसको देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि भाई डार्विन ने देखा, जब गैलोपेगोस आइलैंड में आया हो वो, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कुछ स्पीशीज है जिसमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों, ठीक है, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि एक ही स्पीशीज के अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, एक ही स्पीशीज के अलग अलग फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गैलापागोस आइलैंड में आने के बाद डार्विन को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, सबसे ज्यादा जो उसके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक हुई इस गैलापागोस आइलैंड में, ध्यान रखेंगे इसका नाम, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हुआ वो है फिंचेस, दैट इज बर्ड्स की वैरायटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये एक स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, स्पीशीज ऑफ ये बर्ड, बर्ड की एक स्पीशीज है। तो सेम स्पीशीज जो है बर्ड की, वो जो बर्ड है उसकी अलग अलग वैरायटी बनी, अलग अलग स्पीशीज में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ये क्यों हुआ? तो डार्विन ने देखा कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया है, ये मैं बोल रहा हूँ सेम ज्योग्राफी है, सेम ज्योग्राफी, कौन सी ज्योग्राफी है ये, कहाँ पर है ये, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, कहाँ पर है, गैलापागोस आइलैंड में। तो सेम ज्योग्राफी में क्या हुआ, जो एक ही स्पीशीज है जो बर्ड की, उसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि फॉर्म 1 हो गया, 2 हो गया, फॉर्म 3 हो गया, फॉर्म 4 हो गया। तो ये जो फर्स्ट टू फोर्थ फॉर्म है ये क्यों हुआ, ध्यान रखेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ हैबिटेट एंड फूड हैबिट। जो फूड हैबिट है, ठीक है, उसके कारण ये जो सेम स्पीशीज है, एक स्पीशीज जो है बर्ड की, वो अलग अलग स्पीशीज के फॉर्म में रेडिएट हुए, ठीक है, जो एक स्पीशीज थी वो अलग अलग स्पीशीज के फॉर्म में रेडिएट हुए, ठीक है। रेडिएट क्यों हुए, क्योंकि उनका जो फूड हैबिट था वो अलग अलग था। तो कुछ जो बर्ड्स थे वो वेजिटेरियन थे, कुछ जो रहते हैं वो इंसेक्टिवोरस थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कुछ बर्ड्स इंसेक्टिवोरस थे और कुछ वेजिटेरियन बर्ड्स थे। तो अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, जो एक ही वेराइटी के जो स्पीशीज है बर्ड है, वो अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, अलग अलग फॉर्म में डाइवर्सिफाई हुआ, दैट इज, समझ आ रहा है बात, रेडिएट हुए। यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को रेडिएशन दिख रहे हैं, आप लोगों को एक स्पीशीज से अलग अलग फॉर्म के रेडिएशन दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसको बोलते हैं डार्विन फिंचेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को देख करके वो हैरान रहेगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहां से नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी उसकी निकली, ठीक है। और देखेंगे उसी का एक और एग्जाम्पल्स है जिसको हम देखेंगे आगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट लाइन टू लाइन आता है एग्जाम में। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब क्या है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया, ध्यान रखेंगे, गिवन, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया, ऐसे नहीं कि एक गैलापागोस आइलैंड में, एक अमेरिका में है बर्ड की वैरायटी, नहीं, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट मतलब एक ही स्पीशीज है बर्ड की, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन ये अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी जो बोल रहे हैं वो क्या है, वो एक ही ज्योग्राफी में, अलग अलग हैबिटेट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गैलापागोस आइलैंड में एक वो जगह जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स थे, तो भाई वहां पर क्या होगा, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होंगे, ऐसा उसी आइलैंड में ऐसी जगह जहां पर सीड सीड की वैरायटीज अच्छी पाई जाती थी, सफिशियंट फूड रहता था, तो उस जगह में जो बर्ड्स पहुंचे, उस जगह में जो बर्ड्स थे वो सीड ईटर्स बन गए धीरे धीरे समय के साथ। और वो गैलापागोस आइलैंड का वो एरिया जहां पर ना कोई वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं था, तो वहां पर जो बर्ड्स थे वो धीरे धीरे किस चीज में अडेप्ट हो गए, वो इंसेक्टिवोरस में, जो इंसेक्ट्स थे उनको खाना चालू करिए, उनको रहना तो है ना, जिंदा तो रहना है ना सबको, ठीक है। तो सेम ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगा, लेकिन अलग अलग स्पीशीज में वो रेडिएट हो गए, चेंज हो गए, ठीक है, रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज हैबिटेट, हैबिटेट जगह के हिसाब से वो लोग चेंज हो गए, उसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि एक ही स्पीशीज के अलग अलग फॉर्म जो है रेडिएट हुए,
अलग अलग हैबिटेट में, और फिर वहां पर उस हैबिटेट में वो एडेप्ट हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पीशीज है बर्ड, एक ही जोग्राफी है, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। ये जो बर्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका जो हैबिटेट है ये हैबिटेट वन है ना, हैबिटेट टू हैबिटेट थ्री है, और ये हैबिटेट फोर है। तो अपने हैबिटेट जहाँ वो जगह रहते हैं वहां पर फूड के हिसाब से इनका बीक जो है वो शेप चेंज कर, इनका बीक देख रहे हो आप लोग, इसका बीक, इसका, इसका और ये फोर्थ का बीक, सभी का जो शेप है वो अलग अलग है। तो ये लोग क्या किए बेटा, रेडिएट हुए अलग अलग हैबिटेट में और फिर वहां पर एडेप्ट हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे यहाँ पर ये लोग एडेप्ट, ये ऐसे रेडिएट हुए ये लोग, दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पर ये लोग क्या किए, अपने आप को एडेप्ट कर लिए अकॉर्डिंग टू फूड एंड हैबिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। अब देखते हैं डार्विन फ्रेंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, इसीलिए मैं बताया आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफ दिस फिनोमिनन। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ये याद रखेंगे, अनदर एग्जाम्पल ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है, मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है उसको मैं नेक्स्ट पेज में आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का जो है एक ही एंसेस्टर था, और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग रीजन में उस स्पीशीज की वैरायटी पहुंचने के कारण, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कोई एक स्पीशीज है, ठीक है, मार्सुपियल, मार्सुपियल समझते हैं, यानी जैसे कंगारू है, अपोजम है, ये मार्सुपियल्स हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक स्पीशीज है तो यहाँ से वो माइग्रेट किए इस हैबिटेट में, यहाँ से माइग्रेट किए इस हैबिटेट में, फर्स्ट हैबिटेट, सेकेंड हैबिटेट, थर्ड हैबिटेट, फोर्थ हैबिटेट, फिफ्थ हैबिटेट, सिक्स्थ हैबिटेट, सेवेंथ हैबिटेट, एट्थ हैबिटेट, ऐसा ये माइग्रेट किए। तो ये क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है एक पॉइंट से, क्या हो रहा है बेटा, रेडिएट हो रहा है। जैसे कि भाई टॉर्च जलता है तो क्या होता है, टॉर्च जब जलता है तो वहां से लाइट जो है वो रेडिएट होता है। तो जो लाइट आ कहाँ से रही, एक पॉइंट से, दैट इज अ पॉइंट स्पीशीज, उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, पॉइंट स्पीशीज है ना, वहां से रेडिएट हो रहा है अलग अलग हैबिटेट में। तो जैसे अलग अलग हैबिटेट में जैसा उनका फूड हैबिट होगा, वैसे वैसे वो लोग उस जगह के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से, फूड हैबिट के हिसाब से वो लोग अपने आप को एडेप्ट कर लेंगे, इसलिए एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो मार्सुपियल भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है। तो अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स इच डिफरेंट फ्रॉम दी अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विथ इन दी ऑस्ट्रेलियन आइलैंड। इसका मतलब क्या है, विथ इन दी ऑस्ट्रेलियन आइलैंड, मतलब ये क्या बोल रहा है, सेम ज्योग्राफी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेम ज्योग्राफी, ठीक है, सेम ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने बताया ना एडेप्टिव रेडिएशन का जो डेफिनेशन है, सेम ज्योग्राफी व्हेन मोर देन वन। अब यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है, ये तो एग्जांपल आप देख रहे हो जो स्पीशीज से जो डाइवर्ज हो रहे हैं, एक प्रकार का ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक भी वर्ड नहीं लिखा है उसका, क्योंकि ये अलग तरीके से समझाया गया था डार्विन के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड आएगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, अब इस वर्ड को पकड़ के चलना है, When more than one, है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूँ बेटा, When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, ठीक, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहाँ पर लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि यार अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, एक प्रकार से रेडिएशन जो हो रहा है स्पीशीज का, रेडिएंट है ना, एडेप्टिव रेडिएशन जो इवोल्यूशन हो रहा है वो एक प्रकार का डाइवर्जेंट ही है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट क्यों आया। चलिए अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ बेटा, एक एक चीज ध्यान से देखिएंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स इन दी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्सुपियल रेडिएशन, एक मार्सुपियल के एक जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज का रेडिएशन हो रहा है अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के फॉर्म में, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, जैसे कोआला हो गया, कंगारू हो गया, है ना, तस्मानियन वुल्फ हो गया, शुगर ग्लाइडर हो गया, टाइगर कैट हो गया, ये क्या है, ये मार्सुपियल्स की अलग अलग वेराइटीज है जो सेम स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, वो भी कहाँ पर, सेम ज्योग्राफी। सेम ज्योग्राफी का मतलब क्या है बेटा, एक ही लोकेशन में, ये कौन सा लोकेशन है, इट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यही तो कॉन्सेप्ट है एडेप्टिव रेडिएशन का। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस वर्ड को रीड करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि अब इसके पहले जो आप देखे होंगे कि एक से ज्यादा अगर
एक से ज्यादा अगर एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है एक ज्योग्राफिकल एरिया में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ व्हेन मोर देन वन, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन अ ज्योग्राफिकल रीजन, उसी को हम क्या बोले थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब बात ये आती है कि ये क्यों है, तो ध्यान देंगे यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम किस चीज को बोल रहे हैं। देखेंगे प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, और कौन एग्जिबिट कर रहा था, ये प्लेसेंटल मैमल है, इस चीज को ध्यान देंगे, ये प्लेसेंटल मैमल्स है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये प्लेसेंटल मैमल है, वो क्या था, क्या था वो मार्सुपियल था, यहाँ ऊपर देखेंगे ये मार्सुपियल है और प्लेसेंटल मैमल है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन, दोनों कहाँ कर रहे हैं, एक ही जगह, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इन इवॉल्विंग इन टू वेराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपियर्स टू बी सिमिलर टू अ करेस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, ठीक है, ये जो प्लेसेंटल मैमल है, ये जो प्लेसेंटल मैमल है ये किसके जैसा सिमिलर रेडिएशन कर रहे हैं, मार्सुपियल के जैसा, ठीक है, प्लेसेंटल वुल्फ एंड तास्मानियन वुल्फ मार्सुपियल दोनों एक जैसा। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि प्लेसेंटल मैमल है, ठीक है, ये प्लेसेंटल मैमल है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन, है ना, ध्यान रखेंगे ये भी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है ना। अब इसकी जो वैरायटी है और इसकी जो वैरायटी है, इनका रेडिएशन होगा, इनका रेडिएशन होगा, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज, स्पीशीज वन, स्पीशीज टू, स्पीशीज थ्री, फोर एंड सो ऑन, इसका भी रेडिएशन होगा, एडेप्टिव रेडिएशन होगा, इनका भी स्पीशीज का इवोल्यूशन होगा, एडेप्टिव रेडिएशन के थ्रू इनकी स्पीशीज का इवोल्यूशन होगा, बहुत सारे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, है ना, पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लेसेंटल मैमल का जो फर्स्ट स्पीशीज है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का जो फर्स्ट स्पीशीज है, ये दोनों के दोनों सेम हैबिटेट में, इसको मैं अलग से अलग कलर में कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों सेम हैबिटेट में, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम हैबिटेट, ये क्या चीज है, सेम हैबिटेट टेट है, और ये दोनों के दोनों सेम हैबिटेट है। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है कि जिसका ओरिजिन अलग अलग हो लेकिन फंक्शन एंड हैबिटेट एक जैसा हो। तो भैया ये ओरिजिन, इसका प्लेसेंटल मैमल का ओरिजिन अलग हुआ, यहां देखेंगे प्लेसेंटल मैमल का ओरिजिन अलग है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का ओरिजिन अलग है, ये मार्सुपियल है और ये मैमल्स है, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल है और ये मार्सुपियल्स है, ये दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन इनकी जो स्पीशीज है, इनका ओरिजिन अलग अलग है, इनकी जो स्पीशीज है, दोनों की स्पीशीज जो रहता है, इन दोनों का जो हैबिटेट एंड फंक्शन जो रहता है वो एक ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, अलग अलग ओरिजिन एंड सिमिलर हैबिटेट में सिमिलर फंक्शन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिन अलग है, ओरिजिन अलग है लेकिन ये दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को याद होगा बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो, जैसे बर्ड का विंग है, इंसेक्ट का विंग है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एनालोगी का, एनालोगी जो रहता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, वैसे ही प्लेसेंटल मैमल इसका ओरिजिन अलग है, मार्सुपियल का ओरिजिन अलग है और इन दोनों का जो स्पीशीज है वो सेम हैबिटेट में सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी ये दोनों के दोनों प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इन दोनों का ओरिजिन कहाँ पर है, सेम ज्योग्राफी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, और इन दोनों के जो स्पीशीज का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है सेम ज्योग्राफिकल रीजन में, तो वो दोनों स्पीशीज का, ध्यान रखेंगे तो वो दोनों स्पीशीज का
जो रहेगा वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लेसेंटल मेमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दिख रहा है, तो ये मोल दिख रहा है आप लोगों को, ये जो मोल है ये प्लेसेंटल मेमल का है और ये मार्सुपियल मोल है, तो ये दोनों एक जैसे ही है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे प्लेसेंटल वुल्फ है ये, और ये तास्मानियन आपका मार्सुपियल वुल्फ है, ये दोनों वुल्फ ही हैं, तो सेम फंक्शन है, सेम हैबिटेट है, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है। तो ओरिजिन अलग अलग, सेम हैबिटेट, सेम फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पर एक जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन, इसका एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, इसका एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, दोनों एडेप्टिव रेडिएशन वाले स्पीशीज जो है सेम हैबिटेट में एक जैसा ही अगर फंक्शन करेंगे, एक जैसा दिखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर समझ आया? ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चंस बना के देखेंगे, तब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।